हमारा देश इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस को फेस कर रहा है। जिन लोगों पर हमें भरोसा था उनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं। जिस सिचुएशन में उन्हें O2 की बात करनी थी वो वोटों की बात कर रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके मौका दे रहे थे कोविड को अच्छी तरह से स्प्रेड होने का। खैर, इसमें पॉलिटिशियंस तो कुछ कर ही नहीं सकते जब हम ही लोग समझने को तैयार नहीं हैं। ये सारे क्रिटिकल कंडीशंस को देखकर कहीं ना कहीं शायद आपके मन में ये आता होगा कि इसमें हमारा क्या रोल है, कैसे देश और देश के लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, घर से बाहर ना जाकर भी कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो यहाँ हम आपके लिए एक छोटा सा काम लेकर आए हैं। आपका ये छोटा सा एफर्ट किसी की लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आसपास जो कंडीशंस हैं उससे हम सभी वाकिफ हैं। रोज़ न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि कैसे हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लड़खड़ा सा गया है। हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान इतना लकी नहीं होता कि उसे सरहद पर जाकर देश की सेवा करने का मौका मिले। लेकिन अभी हमें मौका मिला है घर पर रहकर देश की सेवा करने का, हमारे अपने लोगों का ध्यान रखने का। तो अभी हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से जिस तरह के न्यूज़ हम तक आ रही है, जिस तरह के इंसिडेंट हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इस निगेटिविटी को फैलने से रोका जाए। अब सवाल उठता है कि हम ये सब कर कैसे सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, आप तक जो भी निगेटिव न्यूज़ आ रही है उन्हें शेयर करने की जगह खुद तक ही सीमित कर दीजिए। जो ये सब शेयर कर रहे हैं उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कीजिए कि ये निगेटिविटी किस तरह से सभी लोगों की मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल सकती है। मैंने कल ही ये सब फील किया, इसलिए आज आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए उस इंसान को जो अपने घर पर आइसोलेटेड है या क्वारंटीन सेंटर में है, उसके एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, मोबाइल यूज़ करेगा, सोशल मीडिया पर टाइम बिताएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जाते ही उसके चारों तरफ सिर्फ निगेटिव न्यूज़ दिखाई दें तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। अपनी फैमिली से दूर, निगेटिविटी के चारों तरफ इंसान क्या फील करेगा। ऐसे में अगर उसके सामने ऐसी निगेटिव न्यूज़ आती हैं तो अगर वो हल्के फीवर में भी होगा या थोड़ा उसे खांसी या ज़ुकाम होगा तो भी वो खुद को ज़्यादा बीमार समझने लगेगा, जिससे इंसान की एंजाइटी बढ़ेगी। और जब एंजाइटी बढ़ती है इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। कम इम्यूनिटी आपको कैसे नुकसान पहुँचाएगी ये तो आपको पता ही है। निगेटिव सोचने का असर कितना हो सकता है, इसका एग्जाम्पल एक काफ़ी पुरानी कहानी से ले सकते हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी अपनी झोपड़ी का छप्पर बना रहा था, मतलब बांध रहा था। उसको कंप्लीट करने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में से खून निकल रहा है। उसने सोचा कोई कील लग गई होगी या फिर बांस से लग गई होगी। उसने अपने हाथ पर कपड़ा बांध लिया और बाकी के कामों में लग गया। एक साल बाद जब छप्पर को रिपेयर करने का टाइम आया, उसने देखा कि छप्पर में रस्सी के साथ एक सांप बंधा हुआ था जो मर चुका था। उस सांप को देखकर उसे याद आया और वो सोचने लगा कि उस दिन हाथ से खून भी निकल रहा था, यानी इसी सांप ने काटा होगा। और यही सोचते सोचते वो बेहोश हो गया और कुछ ही टाइम बाद उसकी मौत हो गई। कहानी सच है, झूठ है, फर्क नहीं पड़ता। इससे मिलने वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, आपके माइंड को कितनी बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकती है आप इस स्टोरी से देख सकते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो आप कीजिए। रोज सुबह एक पोस्ट तैयार कीजिए जिसमें लिखिए कि आज कोरोना से रिकवर होकर कितने लोग अपने घर वापस गए। पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव कोट शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह लोगों को बताएं कि निगेटिव खबरें शेयर करने से बचें, पॉजिटिव बातों पर ही ध्यान दें और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखें। इस निगेटिव माहौल में आपका ये छोटा सा एफर्ट किसी के बहुत काम आ सकता है। ऐसे टाइम में अगर आप लो फील करेंगे, निगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जो लोग अपने किसी क्लोज वन को खो चुके हैं उनका दुख तो हम कम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उनके दुख में उनका साथ तो दे ही सकते हैं, उन्हें हिम्मत तो दे ही सकते हैं। अगर आपको गॉड ने मदद करने वालों में शामिल किया है, मदद मांगने वालों में नहीं, तो जितना हो सके दूसरों की मदद करते रहिए। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीडियो शेयर करें। आपको जो भी अच्छा लगा हो इस पूरी वीडियो में, आपको जो भी मैसेज पसंद आया हो उसे अपने हिसाब से टाइप करके भी पोस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप इस बात पर ध्यान ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए।